आज तुझे बताना होगा मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। नहीं पता तू? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ये सजा दे रहा है तू? तू जानता है तेरे नेतागिरी के चक्कर में भरे बाजार में हमारे खानदान की इज्जत में मिल गई है, तू जानता है? और वो भी उस सराफे वाली लड़की के साथ मिलकर ये कर रहा है तू? इसे जताना था, दिखाना था कि मैं कितना ईमानदार नेता हूँ, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही हॉनेस्ट नेता हूँ, दुनिया को दिखाना था, ये लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था। अगर मेरा सगा भाई भी गलती करे तो भी मैं उसे बख्शूंगा नहीं। फैल गया है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे सुमन जी को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ऐसे मूड में तो पापा बिना टेस्ट किए सब मेहनत वेस्ट कर देंगे। देविका भाभी को मौका मिल जाएगा। तीर्थ भैया, उस लड़की के लिए आपने अपने भाई को बदनाम कर दिया, और ये सब क्यों? उस सुमन के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?